व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर बट रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? हमने अपने वुड बी क्लाइंट्स पे, प्रोस्पेक्ट्स पे व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कुछ कंटेंट भेजा वाया मोबाइल या सॉफ्टवेयर, बट कोई रिवर्ट नहीं आया उनका, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उनकी क्वेरी नहीं आई। ठीक है ना, मतलब हमने वी वर नॉट एबल टू कन्वर्ट अ लीड इनटू सेल्स। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। क्या साइंस है? कि व्हाट्सएप सेंडिंग अलग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग अलग है। हम लोग व्हाट्सएप सेंडिंग करते हैं, व्हाट्सएप भेजना इस व्हाट्सएप सेंडिंग, इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिजल्ट भी आएगा, प्रॉस्पेक्ट आपको रिप्लाई करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग से होता है। ठीक है, सो सीइंग ऑल दिस आई डिसाइडेड टू मेक अ 30-day क्रैश कोर्स ऑन व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, लेट मी टेल यू, माय नेम इज रुशनीक सिंह, आई एम अ बिजनेस ओनर कन्वर्टेड अ सेल्स ग्रोथ एक्सपर्ट, राइट? एंड सीइंग ऑल दिस मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि सर व्हाट्सएप मार्केटिंग में कुछ बताइए, तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ क्रैश कोर्स, 30-day क्रैश कोर्स ऑन व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि अगर आप अभी तक मेरी कम्युनिटी में नहीं हैं, तो आई हैव गिवन द लिंक विद दिस वीडियो फॉर माई VIP क्लब कम्युनिटी। ठीक है, क्लिक द लिंक एंड बी इन द ग्रुप। मैं क्या करता हूँ, आई रेगुलर पोस्ट वीडियोस ऑन ब्रांड मेकिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, USP, वो सब कुछ। ठीक है ना, सो अगर आप कम्युनिटी में हैं, मेरी कम्युनिटी में, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस वाया मैसेज। ठीक है, सो नाउ एंजॉय योर कोर्स, इट्स 30-day कोर्स। ठीक है, आई डोंट नो कि आप कौन सी वीडियो से में देखेंगे, बट येस यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, आपको बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट? सो एंजॉय द कोर्स, राइट? बाय बाय, टेक केयर। वेलकम टू day 25 ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग। क्या हाल चाल है जी आपके? परफेक्ट, ग्रेट जी, फैंटास्टिक। सो लेट मी टेल यू कि दिस इज day 25 और लगभग हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 24 days में हमने सीख लिया कि हमने एड्स कौन सी बनानी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, हमने डिस्कस किया टेक्स्ट एड, बैनर, ग्राफिक एड्स, वीडियो एड्स हमने डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया वीडियोग्राफिक एड, हमने डिस्कस किया क्या नंबर होना चाहिए आपका जब आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, कौन सा नेटवर्क होना चाहिए, कौन व्हाट्सएप मार्केटिंग करेगा, वी हैव डिस्कस्ड ऑल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दिस इज सजेस्टेड टू गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस 24 वीडियोस, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि जो एक चैलेंज आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग में, लोग कहते हैं भाई हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है, व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाता है। तो जो पिछले 5 सालों में जो मैंने इसको समझा व्हाट्सएप को कि बैन क्यों होता है, मैंने वो कुछ रीजंस लिखे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, एक बात आप समझ लीजिए कि व्हाट्सएप इज नॉट अ मार्केटिंग ऐप। ठीक है, व्हाट्सएप डज नॉट अलाउ और स्पॉन्सर मार्केटिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, इट्स अ पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग ऐप। ठीक है, सो वो चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे स्पैमिंग ना हो। अगर मार्केटिंग करनी है तो एक प्रोफेशनल तरीके से हो, सामने वाले को वैल्यू ऐड करें, हम उसको लगे हाँ वैल्यू मिल रही है, वैसे हो। ठीक है, सो सबसे पहले जो आपने मैसेज बनाना है अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग का, चाहे वो टेक्स्ट ऐड है, वीडियो ऐड है, ग्राफिक ऐड है, वीडियोग्राफिक है, वो रेलेवेंट होना चाहिए सामने वाले के लिए। आपने कोई भी ऐड क्रिएट की, सपोज आप इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपने कोई ऐड क्रिएट की, अगर तो देखो ये सारी बातें फैक्टर्स ये इसमें काम करती हैं, आप किस नंबर से व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रही हैं, डिस्प्ले पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, कौन है उसमें आपके DP में। ठीक है, आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे, कैटलॉग में क्या है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि कंटेंट में क्या है, कंटेंट में क्या है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स
कि कंटेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए, जो सामने वाले को आप भेज रहे हो क्या वो कंटेंट सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या वो कंटेंट सामने वाले के ट्रिगर इमोशंस करता है, बिलीफ को हिट हर्ट करता है। अगर तो ये सब कुछ रहेगा तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट बैन नहीं करेगा। लोग ये कहते थे कि व्हाट्सएप अकाउंट बैन करता है कि आप बहुत सारे मैसेज भेज दोगे ऐसा वैसा, नहीं वो सिस्टम नहीं होता। व्हाट्सएप अकाउंट देखो, जो भी आप किसी को मैसेज भेजते हो ना वो सब प्राइवेट और इनक्रिप्टेड होता है, मतलब व्हाट्सएप उस मैसेज को नहीं पढ़ देख सकता, नहीं देख सकता, ठीक है। अब आप कितनी फ्रिक्वेंसी से भेज रहे हो वो नोट करता है, और जिसको भेज रहे हो क्या सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है वो नोट करता है, वो व्हाट्सएप वो नोट करता है। प्लस अगर सामने वाला, जैसे आपने मैसेज भेजा, किसी को भेजा मैसेज आपने मोबाइल से भेजा, तो उसकी चैट पे क्या लिखा होता है आपके मैसेज के नीचे, रिपोर्ट, ब्लॉक या इग्नोर, ऐसा कुछ लिखा होता है। अगर तो वो रिपोर्ट कर दे आपको, रिपोर्ट मतलब कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, तो अगर काफ़ी लोग एक साथ रिपोर्ट कर देंगे तब आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, तब आपके अकाउंट को बैन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो पॉइंट क्या आया कि ये सब फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, किस नंबर से, डीपी पे क्या है, प्रोफाइल में क्या लिखा है, ठीक है, किस नंबर से कर रहे हो, ठीक है, और कंटेंट क्या है, ये सब फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स पे आप काम नहीं करोगे आपका नंबर बैन होगा ही होगा, बार बार होगा। और ऐसा भी है कि अगर दो या तीन बार अगर व्हाट्सएप आपका अकाउंट बैन कर देता है तो फिर वो री एक्टिव कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। ऐसा होता है कि आपके, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, आपका अकाउंट बैन किया व्हाट्सएप ने, ठीक है, बैन कर दिया आपका अकाउंट व्हाट्सएप ने, आपने उनको ईमेल डाली, वो एक अलग प्रोसेस है, आप यू कैन चेक आउट माय वीडियो हाउ टू अनबैन योर अकाउंट, मेरा वीडियो बना हुआ है इसी पे, यूट्यूब पे बना हुआ है। आपने वो ईमेल कंस्ट्रक्ट की और उनको भेज दी, एंड इन 24-48 आवर्स दे विल अनबैन योर अकाउंट, ठीक है। बट अगर आपने दोबारा मार्केटिंग की और दोबारा उन्होंने बैन कर दिया, फिर चांसेस और कम हो जाते हैं अनबैन होने के, और ये तीसरी बार अगर हो गया तो फिर आपका अकाउंट अनबैन होना लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज दे नो यू आर स्पैमिंग व्हाट्सएप, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स कि आपका अकाउंट क्यों बैन होता है, ठीक है। टुमारो आई विल शेयर द बुलेट पॉइंट्स कि आपने क्या ख्याल रखना है इन डॉक्यूमेंट जब हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप यू गॉट वैल्यू इन दिस कोर्स, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लगा कि आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना रुशनीक VIP क्लब का लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस प्राइवेटली, ठीक है। देयर यू गॉट द ऑप्शन ऑफ मीट फिक्स अ मीटिंग विद मी ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई सी यू टुमारो, आई गिव यू द बुलेट्स पॉइंट्स कि आपने क्या बातें ध्यान में रखनी है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन ना हो, राइट। बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय।